नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। केंद्र सरकार इस वर्ष करेगी लाखों नियुक्तियां। झारखंड के 219 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र में नव नियुक्त करीब 71,400 युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिया। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सीसीएल के दरभंगा हाउस में किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने झारखंड के 219 विद्यार्थियों में से 25 को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र वितरित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस मौके पर पीएम मोदी ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों के साथ बातचीत भी की। बता दें, पीएम मोदी के साथ बातचीत के दौरान बिहार के दरभंगा के रहने वाले दिव्यांग राजू कुमार ने रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनने तक के सफर में आई बधाई और आत्मविश्वास के बारे में पीएम मोदी को अवगत कराया। इस दौरान विपरीत पारिवारिक स्थिति के बावजूद नियुक्ति पाने में सफल हुए युवा काफ़ी खुश दिखे। इसी मौके पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष रोजगार मेला लगाकर 10 लाख लोगों को नौकरी देने का निर्णय लिया गया है। झारखंड के मौसम में बदलाव आया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी ठंड रहेगी। 21 व 22 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक बादल छा सकते हैं एवं मौसम शुष्क रहेगा। 23 जनवरी को सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 24 और 25 जनवरी को कहीं कहीं आंशिक बादल छा सकते हैं और मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 26 जनवरी को आंशिक बादल छा सकते हैं एवं मौसम शुष्क रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक अगले 3 दिनों तक ठंड रहेगी। झारखंड के पुलिस कर्मियों की जरूरतों को पूरा करेगी सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज से झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप एक परिसर पुलिस बल के लिए आइकॉनिक परिसर के रूप में जाना जाएगा। इस परिसर को नया स्वरूप दिया गया है। इसी खुशी में हम सब यहां एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि खूबसूरत परिसर और काम करने का एक सुंदर वातावरण अगर हमारे इर्द गिर्द या आसपास हो तो हमें जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है उस काम को हम सभी लोग एक अलग उत्साह, उमंग और विश्वास से कर पाते हैं। जैप एक परिसर एक नामचीन जगह है, राजधानी रांची के बीचों बीच अवस्थित है। इस परिसर का उपयोग कई अलग अलग कार्यों के लिए होता है। मैं भी यहाँ कई बार अलग अलग कार्यक्रमों में शरीकत हुआ हूँ। पिछले साल जैप एक स्थापना दिवस के मौके पर यहाँ आया था, तभी मैंने यह तय किया था कि इस परिसर का कार्यकलाप कर एक नई पहचान देनी है जो आज मूर्त रूप ले चुका है। नए आगंतुक जो यहाँ आएंगे अब इस परिसर के बदलाव को देखेंगे। जैप एक परिसर अब एक आधुनिक पुलिस कैंप परिसर के रूप में पहचाना जाएगा। चाईबासा में आईडी ब्लास्ट, कोबरा बटालियन का जवान घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सरंडा वन क्षेत्र के टोटो थाना स्थित तुम्बाहाका जंगल में नक्सलियों के बिछाए भूमिगत विस्फोटक की चपेट में आने से ऑपरेशन चला रहे कोबरा बटालियन 302 का एक जवान जख्मी हो गया। जख्मी जवान की पहचान मध्य प्रदेश निवासी चिरंजीवी परते के रूप में हुई है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने चिरंजीवी को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया। इसकी पुष्टि एसपी आशुतोष शेखर ने किया है। एसपी श्री शेखर ने बताया है कि प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के बड़े नेता तुम्बाहाका के जंगल में कई दिनों से छुपे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। जल सुरक्षा को लेकर 21 जनवरी से रांची में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार 21 जनवरी से 2 दिवसीय जल सुरक्षा वर्तमान एवं भविष्य की चुनौतियां विषय पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हो रहा है। इस सेमिनार में देश के विभिन्न राज्यों के 11 विशेषज्ञ इंजीनियर शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान शामिल हो रहे करीब 300 प्रतिभागियों के साथ अनुभव साझा करेंगे। यह जानकारी राष्ट्रीय संयोजक सेमिनार समिति के शिवानंद राय ने दी है। बता दें, 21 जनवरी से रांची के डोरंडा स्थित नेपाल हाउस के अभियंत्रण भवन में इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की ओर से आयोजित इस सेमिनार का विषय जल सुरक्षा वर्तमान एवं भविष्य की चुनौतियां रखा गया है। झारखंड के सहिया 23 से जाएंगी हड़ताल पर, 18,000 मानदेय की मांग। अनुबंध पर कार्यरत पैरा मेडिकल कर्मियों की हड़ताल के बाद अब राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत सहिया भी 23 जनवरी से हड़ताल पर चली जाएंगी। झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया संघ ने इसे लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तथा स्वास्थ्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा है।
सहायक की मांगों में 2000 प्रोत्साहन राशि की जगह 18000 रुपये मानसिक मानदेय, ईपीएफ भुगतान तथा नियमावली लागू कर सरकारी कर्मी का दर्जा देने आदि शामिल है। संघ ने अपने ज्ञापन में कहा है कि वे टीकाकरण से लेकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के सभी कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाते हैं, लेकिन उन्हें महज 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती है जिससे उनका जीवन यापन मुश्किल होता है। देवघर बाबा मंदिर को अमेरिकन डॉलर सहित अन्य विदेशी धन का चढ़ावा मिला। देवघर के बाबा मंदिर प्रांगण स्थित 18 दान पत्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में शुक्रवार को खोला गया। इस दान पत्र में भारतीय रुपये सहित अमेरिकन डॉलर, नेपाली रुपया, मलेशिया रिगित, मलेशियाई सेन, सिंगापुर डॉलर एवं बांग्लादेश टक्का दान स्वरूप मिला। इस बात की जानकारी डीसी सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भयंत्री ने दी है। शुक्रवार को बाबा मंदिर प्रशासन की देखरेख में 18 दान पत्रों को खोला गया। इस दौरान गिनती के बाद दान पत्र से कुल आय 17,45,502 रुपये के अलावा नेपाली रुपये 5,000, अमेरिकन डॉलर 255, मलेशियाई रिगित 1, मलेशियाई सेन 160, सिंगापुर डॉलर और बांग्लादेश का 5% दान स्वरूप प्राप्त हुआ। 12 फरवरी को रांची आएंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को सुदृढ़ व मजबूत बनाने के लिए आगामी 12 फरवरी को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रांची आएंगे। वे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और आगामी चुनावों के दौरान उन्हें एकजुट होकर प्रत्येक बूथ व पंचायत स्तर तक अपनी पहुँच को मजबूत बनाने का आह्वान करेंगे। शुक्रवार को पटना में गोड्डा के पूर्व विधायक व झारखंड प्रदेश राजद के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव ने मुलाकात के दौरान यह जानकारी दी। तेजस्वी यादव ने महासचिव संजय प्रसाद यादव से झारखंड में चल रही संगठन की गतिविधियों व वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ युवा राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने रांची के अलवर्ट एका चौक पर ब्रिजभूषण सिंह और भाजपा का पुतला फूंका और गिरफ्तारी करने की मांग की। रांची विश्वविद्यालय गेट से आक्रोश मार्च की शक्ल में अलवर्ट एका चौक पहुँचे युवा राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ताओं ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो दूसरे ओर देश का नाम रोशन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण जैसे मुद्दे पर चुप्पी साध लेती है, जो यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार के कथनी और करनी में कितना अंतर है। आदमखोर तेंदुए 11 दिन में जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाएगा। झारखंड के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से शूट करने का आदेश जारी होने के बाद गढ़वा जिले के भंडारिया और रामकंडा प्रखंड में आम लोगों के बीच खौफ का पर्याप्त बन चुके आदमखोर तेंदुए की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 31 जनवरी तक तेंदुए के शूट करने का आदेश है। यह आदेश 18 जनवरी को जारी हुआ था, जिसके बाद अब सिर्फ 11 दिन बचे हैं। 21 जनवरी को ऊर्जा मेला, बिजली समस्याओं का होगा समाधान। बिजली का नया कनेक्शन लेना चाहते हैं या बढ़े हुए बिजली बिल से परेशान है तो रांची में 21 जनवरी को लगने वाला ऊर्जा मेला आपके लिए है। बता दें, यहाँ बिजली से जुड़ी अन्य शिकायतों का भी निपटारा किया जाएगा। ये मौका आपके लिए बेहद ही खास है। शनिवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ऊर्जा मेले में आप आवेदन कर सकेंगे। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से रांची शहर, अनगढ़ा, मांडर, सिकंदरी व नगरी में ऊर्जा मेले का आयोजन किया जाएगा। रांची सहित खुट्टी, गुमला, लोहरदगा एवं सिमडेगा जिले के विभिन्न स्थानों पर भी इसका आयोजन किया जाएगा। झारखंड के 15 स्पोर्ट ट्रेनर्स को 3 साल का मिला एक्सटेंशन। झारखंड के आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र में संविदा पर कार्यरत 15 स्पोर्ट ट्रेनरों की संविदा अवधि 3 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय ने एक्सटेंशन का आदेश जारी किया है। खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय के कार्यादेश के मुताबिक इन 15 प्रशिक्षकों को 31,611 रुपये प्रतिमाह एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। इसका एक्सटेंशन 27 अगस्त 2025 तक किया गया है। एजुकेशन से जुड़ेगा झारखंड का हर बच्चा, सीएम हेमंत। हेमंत सोरेन सरकार हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने की पहल कर रही है। इसके लिए आप शिशु पंजी में नाम जरूर दर्ज कराएं। झारखंड में अभी भी ऐसे कई बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जाते या विद्यालय छोड़ चुके हैं।
ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें विद्यालय से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षा विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों एवं चिन्हित स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्येक परिवार में जाकर इस आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले, नहीं जाने वाले एवं ड्रॉप आउट बच्चों की जानकारी ली जा रही है। बता दें, झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा के तहत 3 से 18 साल के बच्चों के विद्यालय में नामांकित होना या नामांकित नहीं होना तथा विद्यालय से ड्रॉप आउट होने संबंधी जानकारी लेने के लिए शिशु पंजी अद्यतन 2022-23 संबंधी कार्य पूरे राज्य में 6 जनवरी से निःशुल्क किया जा रहा है। गंगा विलास क्रूज अपने तय समय से पहले पहुंचा साहेबगंज। बनारस से डिब्रूगढ़ की सबसे लंबी नदी यात्रा पर निकला गंगा विलास नामक क्रूज शिप तय समय से पहले शुक्रवार की शाम को मनिहारी के रास्ते झारखंड की सीमा में प्रवेश करते हुए साहेबगंज के समदा गंगा घाट पहुंचा। गंगा विलास क्रूज गंगा नदी में ही लंगर डालकर रात्रि होल्ट किया। वहीं DC राम निवास यादव के नेतृत्व में जिला प्रशासन की पूरी टीम समदा घाट पर गंगा विलास क्रूज में सवार विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। दूसरी ओर गंगा घाट में जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जैप और जिला बल के जवानों को मोटर बोट और यात्री जहाज एवं मालवाहक जहाज में लेकर सुरक्षा व्यवस्था में तैनाती किया गया। वहीं मालवाहक जहाज को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है। उड़ीसा दौरे पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। झारखंड के कोल्हान सीमा से सटे उड़ीसा के क्योंझर समेत 3 लोकसभा क्षेत्र में कमल खिलाने का लक्ष्य लेकर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा क्योंझर पहुंचे। शुक्रवार और शनिवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा क्योंझर लोस क्षेत्र के करंजिया और पाटना विस क्षेत्र के दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने करंजिया और पाटना विस क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करने के साथ संगठन बैठकों में भाग लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के टिप्स भी दिए। अनुबंधित कर्मियों ने किया हवन, कहा सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान। अनुबंध कर्मियों की हड़ताल का यह तीसरा दिन है। ऐसे में अस्थायी करने की मांग को लेकर राजभवन और तमाम जिला मुख्यालयों के सामने अनुबंध कर्मी धरना पर बैठे हुए हैं। ये अनुबंध कर्मी इस धरना के दौरान अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करके राज्य सरकार का ध्यान खुद की ओर आकृष्ट कराने के प्रयास में है। बता दें, गुरुवार को अनुबंध कर्मियों ने राजभवन के सामने हवन करके अपना विरोध दर्ज कराया। अनुबंध कर्मियों का मानना है कि इस हवन के माध्यम से राज्य सरकार को सद्बुद्धि मिले, उनकी आंख खुले ताकि वह हमारी मांगों को सुन सके। इस दौरान अनुबंध कर्मियों ने कहा है कि हम यहां से बिना अपनी मांग पूरा किए बिना नहीं जाएंगे। शिक्षा विभाग में खुल रही आरोपों की पुरानी फाइल। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में आरोपों की पुरानी फाइलें अब खुल रही है। विभाग ने पुराने मामले में राज्य शिक्षा सेवा के 8 पदाधिकारियों के विरुद्ध अलग अलग मामलों में कार्रवाई की है। इसमें से 5 सेवानिवृत्त हो चुके हैं जबकि 1 ने VRS ले लिया है। वहीं 2 पदाधिकारी अभी भी सेवा में हैं। जिन सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है उनमें दुमका के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी धर्मेंद्र राय, माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक रहे रामयतन राम, हजारीबाग के तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक नवल किशोर शामिल हैं। पलामू जनता दरबार में 75 साल के वृद्ध ने लगाई गुहार। पलामू जिला समाहरणालय में शुक्रवार को आयोजित उपायुक्त के दरबार में उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब पाटन प्रखंड के लोहिया निवासी 75 वर्षीय रियासत मियां अपने को जिंदा होने का सबूत देने लगे। उन्होंने कहा कि हुजूर, मैं जिंदा हूं लेकिन प्रखंड कार्यालय ने मुझे मृत बताकर वृद्धा अवस्था पेंशन बंद कर दी है। इससे उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रियासत मियां ने इसके लिए अपना आधार कार्ड भी प्रस्तुत किया है। रामगढ़ में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग ने कसी कमर। 27 फरवरी को होने वाले रामगढ़ उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने शुक्रवार को एक अहम बैठक की जिसमें शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया गया। बता दें, रामगढ़ उपचुनाव की तैयारी में एक तरफ राजनीतिक दल जुटे हुए हैं वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा। इसी के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि सभी विभाग के पदाधिकारी रामगढ़ उपचुनाव को स्वच्छ और निष्पक्ष बनाने के लिए आपस में समन्वय स्थापित कर काम करें।
23 से 24 जनवरी को बाबा नगरी में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक 23 और 24 जनवरी को बाबा नगरी देवघर में होगी। 2024 के सियासी रणनीति को अमली जमा पहचाने की योजना से लेकर संगठन और पार्टी विस्तार को लेकर कार्य समिति की बैठक के रूप में प्रारूप तैयार होगा। बता दें, भाजपा कार्य समिति की बैठक 23 और 24 जनवरी को बाबा नगरी देवघर में होगा। इससे पहले यह बैठक 16 और 17 जनवरी को होना था, मगर राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के कारण यह टल गया। करीब 17 वर्षों के बाद देवघर में आयोजित हो रहे भाजपा प्रदेश कार्य समिति की यह बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। दो दिनों तक देवघर के मेहर गार्डन में होने वाले इस बैठक में राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव के साथ साथ प्रदेश भाजपा राज्य सरकार के खिलाफ रणनीति बनाएगी। पद चिन्ह से तेंदुआ होने की पुष्टि हुई। गढ़वा जिले के चिनिया थाना अंतर्गत हेतार कला गांव स्थित केलहा झरिया टोला में किसान बुद्धि नारायण सिंह के दो बकरियों को मारने और एक बकरी को घायल करने वाला जंगली जानवर आदमखोर तेंदुआ ही था, जिसकी एक महीने से अधिक दिनों से तलाश की जा रही है। वन विभाग द्वारा जानवर के पद चिन्हों की जाँच के बाद इस बात की पुष्टि होने पर वन विभाग के अधिकारी परेशान हैं। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तेंदुआ हर बार अपना क्षेत्र बदल दे रहा है, इसलिए उसे पकड़ने या बेहोश करने में परेशानी हो रही है। वन विभाग के साथ तेंदुआ को कैद करने आए नवाब सपत अली खान की टीम भी परेशान है। हेमंत राज में निकली भ्रष्टाचार की शुद्ध घी। बाबूलाल मरांडी। बालू पत्थर और कोयले के बाद झारखंड में शुद्ध देसी घी चर्चा में है। बता दें, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन ने 2 सालों में भ्रष्टाचार की ऐसी घी निकाली जिसे खाने वाले अब पछता रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अब तक सुना था कि घी सिर्फ दूध से ही निकलता है, लेकिन सोरेन राज परिवार के एक्सीडेंटल उत्तराधिकारी राजकुमार हेमंत सोरेन ने 2 सालों में पत्थर बालू कोयला जमीन शराब ट्रांसफर पोस्टिंग से ऐसी घी निकाली कि इसे खाने पहुँचाने वाले किराएदारों की जेल के नाम से ही तबीयत बिगड़ जा रही है। धन्यवाद।